हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। आज मैं फिर से एक डकोपास की पेंटिंग लेके आई हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड प्रिपेयर करेंगे। तो बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ वॉल पुट्टी पाउडर ले लिया है और फेविकॉल लिया है, साथ में लिया है व्हाइट एक्रेलिक कलर। तीनों को मिला के एक पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए। एक चम्मच पानी भी ऐड किया है। अब इस पेस्ट को हम अपने बोर्ड पे लगाएंगे और रोलर की हेल्प से इसे पूरे में स्प्रेड करेंगे। तो रोलर ले लिया है और रोलर से इस बोर्ड पे चारों तरफ पूरे में इस पेस्ट को स्प्रेड कर देंगे। जब भी हम पेंटिंग के लिए कोई बोर्ड प्रिपेयर करते हैं और उसमें टेक्सचर देना चाहते हैं, और टेक्सचर भी ऐसा जो पूरे पेंटिंग में इवन हो, पूरे बोर्ड पे इवनली स्प्रेड हो, तो उसके लिए रोलर बहुत अच्छा काम करता है। रोलर से जब हम उसका टेक्सचर पेस्ट को पूरे में स्प्रेड करते हैं तो इवनली फैल जाता है। बोर्ड प्रिपेयर करके बोर्ड को सुखा लेंगे और जब बोर्ड सूख जाए तो हम लेंगे डेकोपास पेपर। तो मैंने यहाँ पर डेकोपास पेपर में बुद्धा का प्रिंट लिया है। और जैसे कि हम करते हैं डेकोपास करने का जो हमारा सिस्टम है, हम यहाँ पे मौज पौच हमने ले लिया बोर्ड पे और उसको इवनली ब्रश से फैला लिया। पहले मैंने मार्किंग कर ली कि मेरा ये जो पेपर है वो कितने स्पेस में आ रहा है, उसके बाद में मैंने उसी स्पेस में मौज पौच को स्प्रेड कर लिया। मौज पौच स्प्रेड करने के बाद उसके पास ऊपर से हम रखेंगे अपना डेकोपास पेपर। तो डेकोपास पेपर में कहीं भी एयर नहीं आनी चाहिए। जब हम लगा रहे हैं एयर आती है तो इसे उठा के वापस से थोड़ा सही करेंगे, क्योंकि ये डेकोपास पेपर है, पेपर थोड़ा थिक होता है, तो हम इसके ऊपर पॉलिथीन नहीं लगा रहे हैं तो भी काम कर रहा है। पर यदि हमने डेकोपास टिश्यू लिया होता, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि जब हम डेकोपास करते हैं और टिश्यू से करते हैं तो हम उस पर डायरेक्ट ब्रश नहीं चला सकते, उस पर हमें पॉलिथीन रखना ही पड़ती है, नहीं तो डेकोपास टिश्यू जो है वो फट जाता है। तो अब हमारा ये डेकोपास पेपर है वो लग चुका है और अब हमने किया है चारों तरफ उसमें कलर करना स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे नियॉन कलर लिए हैं, नियॉन ऑरेंज, नियॉन पिंक, और इन्हें मैंने स्पंज डैबर से चारों तरफ लगा लिया है अनइवनली, कहीं पर कोई सा और कहीं पर कोई सा। इसे ब्लू के साथ शेड भी करूंगी, क्योंकि हमारे जो डिजाइन का पेपर है यानी बुद्धा का जो बीच का डेकोपास पेपर है उसमें मल्टी कलर यूज हुए हैं। मल्टी कलर में भी कौन से, ऑरेंज, रानी, वॉयलेट, ब्लू, तो हमें इस सब को मैच करते हुए अपने साइड के पार्ट को कंप्लीट करना है, ताकि हमारा जो पार्ट आउटर का है वो अलग नहीं लगे, ऐसा लगे कि डेकोपास पेपर पूरे में कंप्लीट एक ही बार में यूज हुआ है। जब तक मैं यहाँ पर कलर की मैचिंग कर रही हूँ, तब तक यदि आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लें। और ये डेकोपास का आइडिया आपको कैसा लग रहा है इसे जल्दी से कमेंट में बताएं। और यदि आप भी ऐसा कुछ बना रहे हैं या बनाने का प्लान कर रहे हैं तो जब फोटो अपलोड करते हैं तो मेरे इंस्टा हैंडल पर मुझे टैग करना नहीं भूलना, और मेरा इंस्टा हैंडल की आईडी है सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। तो हमारा यहाँ पर कलर लगभग कंप्लीट हो गया है और अब इसे हम सूखने देंगे। जब ये कलर सूख जाएगा तो हम इसके ऊपर से स्टेंसिल करेंगे। तो स्टेंसिल के लिए मैंने यहाँ पे मंडाला का स्टेंसिल लिया है, क्योंकि बुद्धा और मंडाला आपस में कनेक्शन रखते हैं, तो मैंने मंडाला का ही स्टेंसिल लिया है और उस सारे सूखे हुए पूरे कलर के ऊपर से लगा दिया है। क्योंकि हमारी पेंटिंग में सारे कलर डार्क हैं, तो थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए, हाईलाइट देने के लिए मैंने स्टेंसिल के साथ यूज करने के लिए लिया है मेटालिक गोल्डन एक्रेलिक कलर, और स्टेंसिल में ब्रश से गोल्डन एक्रेलिक कलर को लगा रही हूँ। जब हमारा ये कलर कंप्लीट हो जाएगा और सूख जाएगा तब हम अपना स्टेंसिल को निकालेंगे और उसके बाद स्टेंसिल को साफ करेंगे। स्टेंसिल को साफ करने का तरीका है कि जब हम स्टेंसिल को
यूज कर लेते हैं जहाँ भी हमें यूज करना है। उसके बाद में स्टेंसिल को हम वॉशरूम में ले जाके वॉश बेसिन में अच्छे बहते हुए पानी में अच्छे से धोते हैं और एक फ्लैट सरफेस पे रख के पतले कॉटन के कपड़े से साफ करते जाते हैं तो इसका सारा कलर निकल जाता है। उसके बाद हम स्टेंसिल को दोबारा जमाएंगे, दोबारा सेट कर लेंगे उसी अपने काम के ऊपर, और उसके ऊपर से क्योंकि ये जो गोल्डन कलर है बहुत ज़्यादा ज़्यादा ओवर हो रहा है, पेंटिंग को कवर अप कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मर्ज एंड मिक्स करने के लिए हम इसके ऊपर से ऑरेंज नियॉन कलर को एक बार थोड़ा थोड़ा कहीं भी डैबिंग और करेंगे। तो उसके बाद हमारी ये पेंटिंग जो है वो लगभग कंप्लीट होने लग जाएगी। अब हमारा स्टेंसिल का काम कंप्लीट हो गया है तो स्टेंसिल हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे बुद्धा बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऊपर से हम इसे वार्निश करेंगे। वार्निश करने से हमारी पेंटिंग का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाता है। हमने इसमें पहले शाइन के लिए डेकोपास ग्लू लगा दिया था, उसके बाद जब हमारी कम्प्लीट हो गई पूरी पेंटिंग तब हमने इस पे वार्निश कर दी। हमारी पेंटिंग अभी यहाँ पूरी नहीं हुई है, एक सरप्राइज साथ में है। हमने ये पेंटिंग बनाई है एक ग्रीटिंग कार्ड के लिए। तो अब हमने एक शीट तैयार कर ली है जिसपे हमने कार्ड के लिए लिख लिया है और ऊपर से लगाएंगे अपनी इस पेंटिंग को कार्ड के फ्रंट शीट की तरह से। तो ये था ना बड़ा सा सरप्राइज। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।